हाय गाइस वेलकम। तो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं भारत के एक्सपोर्ट्स की। जनरली हमें अच्छी ही खबरें देखने को मिलती हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स की तरफ से। खासकर पिछले कुछ सालों में इंडियन एक्सपोर्ट काफी हद तक बढ़ा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भारतीय एक्सपोर्ट्स में दिया है। लेकिन अभी देखो ये न्यूज लिखा है, इंडिया का एक्सपोर्ट्स जनवरी में 6.58% से गिरा है। साथ ही ट्रेड डेफिसिट के लिए भी लिखा है, लोएस्ट इन 12 मंथ्स। तो क्या प्रॉपरली हमारा पूरा एक्सपोर्ट इतना गिर गया है पिछले महीने? लेकिन इसमें एक और बात भी इंक्लूड करना जरूरी है कि हमारा इम्पोर्ट भी गिर गया। 3.63% से हमारा इम्पोर्ट भी जनवरी के महीने में गिरा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं, इम्पोर्ट्स भी गिर रहे हैं। तो असल में यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो है मर्चेंडाइज की, जिसमें हमें पिछले महीने जनवरी में ड्रॉप देखने को मिला है। और इसमें एक्चुअली हमारी ऐसी कोई बड़ी गलती या खास गलती नहीं है, बल्कि जो ग्लोबल डिमांड है वही स्लो होती जा रही है। 6.58% के ड्रॉप के साथ $32.91 बिलियन का एक्सपोर्ट रहा हमारा लास्ट महीने। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से हर सेक्टर में हमें इसका इफेक्ट देखने को मिला है। बकायदा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, टेक्सटाइल्स हो गए या केमिकल्स हो गए, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ रिपोर्ट की है। पिछले महीने का पर्टिकुलरली छोड़ के अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो इंडिया में बेसिकली एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ के लिए जो मेन इंजन इस वक्त काम कर रहा है ना, वो सर्विस सेक्टर है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड से इस वक्त ग्रो कर रहा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के लिए भी आने वाले महीनों में आई गेस मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा। और एक्चुअली दुनिया में काफी कुछ हो रहा है, कई बार डायरेक्टली वो चीजों को इफेक्ट करता है, लेकिन लगभग हर बार इनडायरेक्ट इफेक्ट तो कंट्रीज तक आता ही है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर का थोड़ा बहुत इफेक्ट ही सही, लेकिन हर कंट्री पे गया। अभी टर्की सीरिया के पास में भी अच्छे खासे लेवल पे भूकंप आया है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया फिर भी एक तरह से सही से काम कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हेडविंड्स विद 2 मंथ्स रिमेनिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, India's overall exports is projected to grow at 17.33% during April to January 2022-23 over same period of last year, जो कि 2021-22 वाला था। यानी कि सिंपल सी बात कि ओवरऑल हमारी ग्रोथ ही हुई है। नीचे उन्होंने वही चीज लिखी है जो मैंने अभी बताया कि सर्विस सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रहा है। और इसके नीचे आपको दिख जाएगा कि कैसे 2022 के मुकाबले थोड़ा सा फर्क आया है मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में, थोड़े से वो गिर गए हैं। खैर, इंडिया ओवरऑल अच्छा ग्रो कर रहा है, ये थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था इसलिए मैंने पर्टिकुलरली ये वीडियो बनाई है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बाकी आप बताइए आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो में मेरी तरफ से यही अपडेट थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। इंडिया का एक्सपोर्ट्स इस साल 17.33% से बढ़ेगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप तो इंस्टा और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा, जय हिंद।